दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए रविवार व्रत का महत्व और व्रत कथा लेकर आई हूं। उम्मीद करती हूं आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों हिंदू धर्म में रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित माना जाता है। सूर्य देव बहुत ही कल्याणकारी हैं। सूर्य देव की पूजा और व्रत करने से प्राण ऊर्जा बढ़ती है, कष्ट दूर होते हैं और जीवन में खुशहाली आती है। आर्य वैदिक काल में सूर्य को ही सारे विश्व का कर्ता धर्ता मानते हैं। हिंदू धर्म में प्राचीन काल से सूर्य की उपासना और उपवास की परंपरा चली आ रही है। धर्म शास्त्रों में सूर्य को ही संपूर्ण जगत की आत्मा तथा ब्रह्म के रूप में दर्शाया गया है। ज्योतिष शास्त्र में भी सूर्य का बहुत महत्व बताया गया है। चंद्र, मंगल और गुरु ग्रह सूर्य देव के मित्र माने गए हैं, वही शनि और शुक्र शत्रु माने गए हैं। ऐसे में जिन जातकों का सूर्य नीच होता है उन्हें रविवार व्रत से विशेष लाभ प्राप्त होता है। आइए जानते हैं रविवार व्रत की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं थी। धीरे धीरे उसका घर धन धान से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी देख उसकी पड़ोसन उसे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन से बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर ना मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन ना लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंखें खुली तो वह अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय एवं बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ ही पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो वह बहुत आश्चर्य में पड़ गई। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भूनकर राख हो गई। उसने अपने पति को समझा बुझा कर उससे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देख कर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। राजा ने बुढ़िया से गाय और बछड़ा छीन लिया, जिससे बुढ़िया की स्थिति फिर दयनीय हो गई। बुढ़िया ने दुखी होकर सूर्य देव से प्रार्थना की। सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन बुढ़िया की गाय एवं बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने
प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने परोशन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। प्रेम से बोलो सूर्य भगवान की जय। तो दोस्तों, ये थी रविवार व्रत की पौराणिक कथा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले अगले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद।